नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबाजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौजूदात पर। वादिया गुरेज में लोगों की मयारी जिंदगी बेहतर बनाने की पहल। श्रीनगर में FIDE रेटेड शतरंज टूर्नामेंट मुनक्किद। राजौरी में चिकड़ी वुड क्राफ्ट को दवाम बख्शने के लिए तरबियती मरकज कायम। श्रीनगर में बुजुर्ग शहरियों के लिए ओल्ड एज होम का कयाम। पुंछ में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस कैंप का इनेकार। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबाद वादी गुरेज में लोगों की मयारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इंडियन आर्मी नुमाया और कलीदी रोल अदा कर रही है। इस जमन में फौज ने एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए कई तरह के तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। यहाँ नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए मरकज कायम करने के अलावा लोगों की बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। फौज की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम पर मकामी लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाका वादी गुरीस में फौज हमगीर तामीर और तरक्की में नुमाया और कलीदी किरदार अदा कर रही है। फौज ने यहाँ मुकीम आबादी की सहूलियत के लिए मुख्तलिफ नौयत के तरक्याती मंसूबे अमलाए हैं। सेहत की देखभाल के लिए खसूसी सेहत मरकज कायम किया गया है। डेंटल क्लिनिक कायम करने से मकामी आबादी को काफी फायदा हासिल हो रहा है। फौजी डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है जिसे दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ के लोगों को काफ़ी दूर होने की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से इनकी माली हालत भी ठीक नहीं है और ना ही इनके पास इतनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। इसीलिए यहाँ इंडियन आर्मी के प्रयास से हमने एक डेंटल एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है जहाँ पे हम लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। आई विल से दैट इट्स अ वैली विच इज़ अ हेवन एंड आई एम मेकिंग देयर एक्सपीरियंस पेनलेस हियर। फौज ने नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए आर्मी गुडविल स्कूल भी कायम किया है। गुरेज वादी में वाका ये स्कूल तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता है। जदीद साइंसी लेबोरेटरी आर्मी गुडविल स्कूल के अजम का इयादा करती है। वुमन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत जोर देके इंडियन आर्मी यहाँ पे बहुत हम प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आर्मी गुडविल स्किल दावर पे एक है जो कि आर्मी ही चलाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हमने वर्ल्ड क्लास और स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर के एनी डेवलप सिटीज जैसे कि दिल्ली मुंबई में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वही से चीज़ यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टीचर्स के लिए भी अलग सा टीचर्स के लिए अलग सा ट्रेनिंग थ्रू वेरियस एनजीओस के थ्रू भी टीचर्स के ट्रेनिंग की कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव करा के हमने स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव कराने की कोशिश किया है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स को एक्सपोजर्स इंटरेक्शन विद डिफरेंट स्कूल्स और बाहर के स्टूडेंट्स के साथ भी ऑनलाइन इंटरेक्शन के साथ करवाते हैं जिससे इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फौज ने यहाँ ख्वातीन की बाइख्तियारी के लिए टेलरिंग एंड कटिंग सेंटर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स यूनिट्स और कढ़ाई सिलाई के लिए खसूसी मराकज कायम किए हैं जहाँ ख्वातीन की बड़ी तादाद हुनर की तरबियत हासिल करके अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर रही हैं। हम चाहते हैं कि और भी लड़कियां आएं जो मतलब अपने लिए कुछ करें, तो हमें ये सीखने का मौका मिल रहा है। इंडियन आर्मी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है तो हम चाहते हैं हम इस मौके को ना गवाएं, तो हमें जितना हो सके हम उतना ज़्यादा अपनी कोशिश करें ताकि और लड़कियां आएं सीखें। जितनी लड़कियां आ रही वो भी जाके दूसरों को बताएं कि हम यहाँ पर क्या क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि वो भी मतलब कुछ सोचे अपने लिए करें, मतलब मोटिवेट हो जाए वो भी आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सब मतलब फैसिलिटी है, मतलब किसी चीज़ कमी नहीं है। हमें धागा कपड़ा सब वहीं से मिलता है, मशीनें भी यहाँ से है, तो हमें मतलब सब कुछ वहीं से ही दिया जाता है, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियां और इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबाद वादी गुरेज पसमांदा इलाकों में शुमार होता है।
यहाँ की आबादी को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के सबब मसाइल व मुश्किलात का सामना है। ताहम फौज यहाँ के लोगों की मयारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए नुमाया और कलीदी रोल अदा कर रही है। वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। इस जिम में तीसरा कश्मीर इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट 4 से 9 मई तक इंडोर स्टेडियम पोलो ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों और टूर्नामेंट के मुंतजमीन इस इवेंट के बारे में किन तासुरात का इजहार कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तीसरा कश्मीर इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट इंडोर स्टेडियम पोलो ग्राउंड श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों को कश्मीर में खेल के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम किया गया, जबकि सहूलियात भी आला मयार की थी। इससे पहले भी हमने दो किए थे, वो भी इंटरनेशनल इवेंट ही थे। उससे पहले भी एक किया था, वो चेस फॉर एवरीवन, वो भी इंटरनेशनल इवेंट ही था। और ये अब एक और इवेंट हो रहा है जो जिसमें कम अज़ कम 120 खिलाड़ी आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से या अब्रॉड से भी आ गए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया के ही तो है ही, और कुछ लोकल प्लेयर भी है 70 के आसपास, और इंडिया के भी है कुछ प्लेयर्स, यही कोई 30-35 तक वहाँ से भी आ गए हैं, मतलब डिफरेंट, कर्नाटक से कोई, साउथ से है कोई, नॉर्थ से है, तो सब जगह से है, मेघालय से भी एक प्लेयर है, तो हर जगह से है प्लेयर। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के 71 खिलाड़ियों में मुल्क भर के 29 और बैरून ममालिक के 11 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट की इनामी रकम 2.31 लाख रुपए थी। इस बावकार टूर्नामेंट ने आलमी सतह पर शतरंज के चंद बेहतरीन जहनों को इकट्ठा किया, जिन्होंने अपने लाजवाब खेल का मुजाहिरा किया। देखिए, चेस को डेवलप करना है तो टोटल 3 बातें होती है। टूर्नामेंट्स मैक्सिमम होने चाहिए, छोटे बच्चों को या प्लेयर्स को प्रॉपर कोचिंग मिलना चाहिए, ये दो चीज़ें तो होनी हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट ये है कि कुछ फैसिलिटीज़ जो बच्चों को हम दे सकते हैं, क्योंकि चेस एक्चुअली नाउडेज इट इज़ वेरी कॉस्टली। ऐसा लगता है कि अब हम ही को यहाँ एक टूर्नामेंट खेलने आना है, आने जाने का, रहने का, खाने का, एटलीस्ट हमारा मतलब 20-25 हज़ार रुपये तो मिनिमम खर्च होता है एक टूर्नामेंट में, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हम तो अभी ठीक है, शौकिया इस एज में तो अभी शौक के तौर पे आके खेलते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जो पेरेंट्स लेके आते हैं उनके लिए बड़ा खर्चा होता है। आज आप जानेंगे जैसे इंडिया के अभी जो लीडिंग प्लेयर्स हैं, गुकेश है, प्रज्ञानंदा है, अर्जुन एरिगेसी हैं, तो इन लोगों ने अभी लगता है कि अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो दिख रहा है, लेकिन इनिशियली उन लोगों ने जो खर्च किया है, जो टाइम दिया है, उनके पेरेंट्स का जो डिवोशन है, इनमें से तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज भी मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, आज भी उनके घर में टीवी नहीं चलता है, 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। इनके कोच कई सारे फॉरेन के कोचेस हैं, एक एक दिन का 10-10 हज़ार रुपये का फी देना पड़ता है। हुकाम ने इस टूर्नामेंट को वादी कश्मीर में मोहतात लेकिन आलीशान अंदाज में मुनक्किद किया। टूर्नामेंट ने न सिर्फ शतरंज के तजुर्बाकार खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया, बल्कि एक सकाफती तबादले के तौर पर भी शतरंज की आलमगीर पैगाम को आम किया। This event are very nice. I like Kashmir. Also, I like this tournament. And everything is good. And event, hotel and a place, everything I like. Also food, Kashmir food, I like very much. जिसने सोच समझ कर चाल चली वो मुकद्दर का सिकंदर बना, और जिसने जल्दबाजी में गलत चाल चली वो रहा नाकाम। गर्ज शतरंज अक्ल व फरासत का खेल है जिसे घंटों खेला जा सकता है। शतरंज हिंदुस्तान के कदीम खेलों में से एक है और तारीख के औराक में 6वीं सदी ईस्वी में गुप्ता दौर हुकूमत में शतरंज का जिक्र मिलता है। हिंदुस्तान से ये खेल पहले ईरान और बाद में पूरी दुनिया में मकबूल हुआ।
जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में पाई जाने वाले चिकड़ी लकड़ी से तैयार की जाने वाली मसनुआत की मांग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। मकामी कारीगर इस सन्नत से पीढ़ी दर पीढ़ी वाबस्ता है, जबकि यह सन्नत वसी आबादी के लिए रोजगार का वाहिद जरिया भी है। इस सन्नत को मजीद फरोग देने के लिए कारीगरों को अब बाजाबता तौर पर पेशेवराना तरबियत फराहम की जाती है, जबकि मरकज भी कायम किया गया है। देखिए इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बेरोजगार नौजवानों के लिए मशहूर रवायती फन चकड़ी वुड क्राफ्ट की तरबियत का अमल शुरू कर दिया गया है। दर्जनों नौजवान इस वक्त चकड़ी वुड सेंटर में दस्तकारी के शोबे के तहत तरबियत हासिल कर रहे हैं, ताकि उन्हें खुद इन्हसार बनाया जा सके। जी, जैसे आपको बताइए है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ऊंचाई पे है, जिसकी वजह से रोज़गार मिलने आज के दौर में बहुत मुश्किल हो चुकी है। कि ये भी सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, किसी ने ग्रेजुएशन की है, एमए की है, पीएचडी भी की है, लेकिन फिर भी बेरोज़गार हैं। तो इस सेंटर की वजह से उनको सीखने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो बाद में अपना लोन लेकर भी अपना रोज़गार चला सकते हैं जिंदगी का। जम्मू कश्मीर हुकूमत भी इन फनकारों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज फराहम करके उनकी मदद करती है। ये दस्तकारी खास तौर पर ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियों के मरीजों के लिए अहम सेहत के फवायद रखती हैं। बहुत से लोग घर में सजावट के लिए चकड़ी वुड की मसनुआत की खरीदारी करते हैं। ये अच्छी स्कीम है, ऐसी और स्कीम ये चलनी चाहिए, एक दो साल वास्ते और दो नवी स्कीम गवर्नमेंट को देना चाहिए कि ताकि हमारे बच्चे बेरोजगारी में ना फंसन, तो यहाँ कुछ ना कुछ कारोबार करें तो कुछ ना कुछ रोजगार अपनी हासिल कर लें, और इनको 1,000 रुपया महीने का तनख्वाह भी मिलता है, तो फिर भी काम ये कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। लकड़ी की जरूरत है वो भी चल रही है, लग रही है, और ये अच्छा काम है, बेहतरीन काम है, और गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमारे लिए ये इतनी स्कीम दिया और हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। बहुत से तरबियत याफ्ता नौजवानों ने पहले ही घर में चकड़ी वुड की मसनुआ तैयार करने के लिए छोटे यूनिट कायम कर रखे हैं, और वो अपनी तखलीकात को शाहिदरा शरीफ इलाके में वाका आलम इस्लाम के बुलंद पाया वली कामिल हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के करीब बाजार में फरोख्त करते हैं। मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से अनएम्प्लॉयड यूथ को मैसेज रहेगा कि भाई वो कुछ छोटी छोटी स्कीमों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि कुछ पढ़ा ही पहले स्टार्टिंग में स्टेप लिया जाए, तो उससे अच्छा है ये गवर्नमेंट की छोटी छोटी स्कीमों के अगर वो जुड़ेंगे, जैसे ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर छोटे छोटे चलते हैं, इनमें भी कुछ ऐसे महारत निकल सकते हैं, महारत वाले बंदे निकल सकते हैं जो आने वाले वक्त में अपना इसी से 10 बंदों को वो नौकरी दे सकते हैं। चकड़ी वुड से मसनुआत बनाने का काम बुनियादी तौर पर राजौरी के थाना मंडी इलाके में किया जाता है। चकड़ी वुड को GI टैग भी मिला है। मरकजी समाजी इंसाफ और तकवीज़ इख्तियारात के वज़रात की तरफ से ओल्ड एज होम्स की तामीर के लिए कोई स्कीम नहीं है, ताहम अटल वायु अभ्योदय योजना के तहत NGOs रजाकाराना तंजीमों को सेंटर सिटीजन होम्स मुसलसल निगहदाश्त के मसाकिन वगैरह को चलाने और उनकी देखभाल के लिए इमदाद फराहम करते हैं। इसी स्कीम के तहत श्रीनगर में सेंटर सिटीजन होम का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन कश्मीरी समाज में इस ज़रूरत को क्यों महसूस किया गया, ये जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट की मरकजी वजारत ने एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से श्रीनगर में अटल वायु अभियोदिया योजना AVYAY स्कीम के तहत एक ओल्ड एज होम कायम किया है। बुजुर्ग शहरियों का कहना है कि उन्हें इस इदारे में हर तरह की सहूलियात मयसर हो रही हैं। यहाँ से फसल है, बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सब कुछ है, पाँव से ताल तक जूता है, मोजा है, पखौड़ा है, कमीज, सब कुछ मिला है, खाना पीना है, वो अपना घर में ना और रखना है, इतना ही रहा यहाँ से, बहुत अल्लाह का शुक्र अल्लाह का दरबार में। इस इकदाम का मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए एक महफूज और आरामदेह माहौल फराहम करना है। जरूरी सहूलियात से आरास्ता ये घर मुफ्त रिहाइश फराहम करता है और अपने रिहायशियों के लिए पुरअमन और माउन माहौल को फरोग देता है। यहाँ पर बहुत सारे रह चुके हैं अभी तक,
कुछ दो तीन की डेथ भी हुई है, अल्लाह उनको मगफिरत करे। और भी आते रहते हैं, कल ही एक लेडीज़ भी आई है, तो होना चाहिए, लोगों को भी इस काम में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है, खासकर बुढ़ापे में, छोटा बच्चा होता है तो उसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन एक बूढ़े बुज़ुर्ग को कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता है, तो वो बेसहारा रहता है। तो उनका शुक्रगुजार है जिन्होंने ये कदम उठाया है और ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी रखी है। ओल्ड एज होम के मुंतजमीन का कहना है कि कश्मीर जैसे मौशरे में ओल्ड एज होम्स नहीं होने चाहिए, ताहम अब उनकी जरूरत महसूस होने लगी है। उनका कहना था कि ये इकदाम बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की लगन की अक्कासी करता है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई स्कीम मरकज के बुजुर्गों के एहतराम और उनकी देखभाल के अजम को जाहिर करती है। यहाँ पे फैसिलिटीज़, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ है, लाइब्रेरी है, एंटरटेनमेंट है, फिजियोथेरेपी है, फूड, ये परमानेंट शेल्टर है उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये भी कहना पड़ता है, आजकल के लोग जो मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बन गए, वो अपने वालिदैनों को घर से निकाल रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकनेक्ट कर ले उन एल्डर पर्सन को अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो हमारी कोशिश वही रहती है। जितने भी हमारे पास यहाँ पर है, इनका कोई नहीं है, तो ये परमानेंट शेल्टर है यहाँ। ये इकदाम बुजुर्ग शहरियों को बाइख्तियार बनाने और उनकी हम मजहद तरक्की की तरफ एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है। बढ़ती हुई आबादी इशारा करती है कि हिंदुस्तान में 60 से ज्यादा उम्र के अशखास की तादाद 2026 में बढ़कर 17.3 करोड़ हो जाएगी। मर्द हो या ख्वातीन, मौजूदा दौर में हर शहरी को सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करना लाजमी है, क्योंकि इस तरबियत से खुद आत्मादी में इजाफा और मुश्किल हालात से मुकाबला करने की हिम्मत भी पैदा होती है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में इसी सोच के साथ सिन्फ नाजुक को सिन्फ अपन बनाने के लिए एक सेल्फ डिफेंस कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप खास तौर पर कबायली लड़कियों के लिए मुनाकिद किया गया। पेश है इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। मिशन शक्ति और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबे के तहत महकमा समाजी बहबूद के जिले मरकज पुंछ ने जम्मू यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से कबायली तबके की तालिबात के लिए मखसूस गुजर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल पुंछ में एक सेल्फ डिफेंस कैंप का इनेकाद किया। तालिबात ने कैंप के इनेकाद पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। फर्स्टली तो हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये कैंप यहाँ पे प्रोवाइड किया। जैसे कि हमें यहाँ पे राजेंद्र सर सिखाने आते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस सिखाई। जो ये हमें टाइकोंडो सिखाई जा रही है, इससे हम खुद से खुद को बाहर कहीं जाते हैं, जैसे कोई भी लड़कियाँ डरती रहती हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे लड़के परेशान करते हैं, हम उनसे लड़ सकते हैं, अपनी खुद की खुद ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। ये तरबियती कैंप एक माह पर मुहित था। हॉस्टल की इंतजामिया का कहना है कि मौजूदा दौर में तालिबात का सेल्फ डिफेंस का हुनर सीखना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालिबात किसी भी वक्त किसी भी चैलेंज से आसानी से निमट सकती हैं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस उनमें एतमाद पैदा करता है। हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इन कोलैबोरेशन विद यूथ सर्विसेज के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस हॉस्टल को चूज़ किया और यहाँ हमारे बच्चों को ये ट्रेनिंग दी। ये बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। जहाँ मान लीजिए कहीं बच्चा बाहर जाता है, कोई ऐसा उन पर अटैक होता है या कुछ, तो वो सेल्फ डिफेंस अपना कर सकते हैं, अपने आप को हिफाजत में ले सकते हैं। जी जी, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, खासकर रहीम सर का, कि उन्होंने हमारे इस हॉस्टल को इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी और हमारे बच्चों को काफी कॉन्फिडेंस उनका जो है लेवल इंप्रूव किया। हुकाम ने बताया कि कबायली तालिबात के लिए मखसूस होम्स में इस तरह की तरबियत का अमल शुरू कर दिया गया है। उनका कहना था कि कैंप का मकसद लड़कियों को बाख्तियार बनाना है, ताकि वो किसी भी नागुफ्ता बे सूरत हाल में अपनी हिफाजत कर सकें, अपने इज्जत नफ्स और एतमाद को बढ़ा सकें।
मकसद यही है कि जो बच्चियां हैं उनको एम्पावर किया जाए और उनको स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा इन्वॉल्व किया जाए और ताकि उनका मेंटल वेलबींग और जो फिज़िकल वेलबींग है उसको डेवलप किया जाए और उनको स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना और ताकि वो भी नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे कम्पीट कर सकें और देश का नाम रोशन करें और अपने इंस्टीट्यूशन का और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। माहिर ट्रेनर्स ने तालिबात को मुमकिन खतरात से अपना दिफा करने और जाती हिफाजत को यकीनी बनाने के बारे में अहम तजावीज भी दी। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। आप अपनी राय हमें इस प्रोग्राम के बारे में जो भी आप राय रखते हैं वो बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगला शुमारा इंशाल्लाह फिर लेकर हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।